नवरात्रि के सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। देवी कालरात्रि तीन नेत्रों वाली माता हैं। उनके समस्त अंग बिजली के समान विकराल हैं। सदैव शुभ फल देने के कारण इनको शुभंगरी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि माँ कालरात्रि की पूजा करने से काल का नाश होता है। माँ के इस स्वरूप को वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माँ कालरात्रि की कृपा से भक्त हमेशा भयमुक्त रहता है। उसे अग्नि, जल, शत्रु आदि किसी का भी भय नहीं होता। आइए जानते हैं इनकी कथा के बारे में। एक रक्तबीज नाम का राक्षस था। मनुष्य के साथ देवता भी इससे परेशान थे। रक्तबीज दानव की विशेषता थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती तो उसके जैसा एक और दानव बन जाता था। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव को ज्ञात था कि इस दानव का अंत करना माता पार्वती ही कर सकती हैं। भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया। इसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं शक्ति व तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस रूप में माँ पार्वती कालरात्रि कहलाईं।